वेलकम टू इम्पैक्ट इंग्लिश क्लास का फिर से आप लोग का स्वागत है। आई एम योर एके आर्यन सर। आज मैं नाउन नंबर का रूल नंबर 9 लेके आए हैं और हम लोग देखेंगे नाउन का जो ये नाउन नंबर का जो रूल नंबर 9 में जो हम पढ़ाने जा रहे हैं। मेरे दोस्त, आपको नाउन नंबर में यानी कि कुछ ऐसी नाउन्स हैं जो दिखने में लगता है प्लुरल, दिखने में क्या लगता है प्लुरल, बट उसका जो प्रयोग होता है, यूज होता है, वो सिंगुलर में होता है। यहां देखेंगे मेरे दोस्त, सम ऑफ द नाउन्स विच लुक लाइक प्लुरल, मतलब दिखने में लगता है प्लुरल, दिखने में क्या लगता है प्लुरल, बट दे आर ऑलवेज यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब, लेकिन हमेशा वो सिंगुलर सिंगलर रहते हैं, उसके साथ सिंगलर वर्ब का यूज करते हैं, उसके साथ सिंगलर वर्ब का यूज करते हैं। सम ऑफ द नाउन्स विच लुक लाइक मतलब दिखने में लगता है, सम ऑफ द नाउन्स विच लुक लाइक प्लुरल बट दे आर ऑलवेज का मतलब क्या था, हमेशा, दे आर ऑलवेज यूज, हमेशा प्रयुक्त रहता है, किसमें, एज सिंगलर, किसमें सिंगलर, एंड टेक्स लेता है, क्या लेता है सिंगलर वर्ब लेता है, क्या लेता है सिंगलर वर्ब लेता है। देखो इसके साथ सवाल है, इसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं, इसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते किसके लिए, यदि आपका नेम ऑफ सब्जेक्ट हो, यदि नेम ऑफ सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग शब्द के पहले नहीं करते हैं। इकोनॉमिक्स नहीं बोलेंगे, द मैथमेटिक्स नहीं बोलेंगे, अगर ये बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, सेंटेंस मेरा गलत हो जाएगा। आप देखेंगे द नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता। आप बोलेंगे इकोनॉमिक्स होगा, एथलेटिक्स है, इनिंग्स है, न्यूज है, पॉलिटिक्स है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, लिंग्विस्टिक है, मैथ्स है, ये सब क्या लगता है, दिखने में लगता है प्लुरल, दिखने में क्या लगता है प्लुरल, लेकिन ये होता है यूज किसमें, हमेशा ये सिंगलर रहता है, क्या रहता है सिंगलर, इसके साथ सिंगलर वर्ब का ही यूज करेंगे, सिंगलर वर्ब का यूज करेंगे, प्लुरल वर्ब का यूज नहीं करेंगे। देखने में देखो क्या लग रहा है, इकोनॉमिक्स दिखने में लग रहा है विच लुक लाइक प्लुरल, दिखने में क्या लग रहा है प्लुरल, बट दे आर ऑलवेज यूज एज सिंगलर एंड टेक्स सिंगलर वर्ब, इसके साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, ये सब सिंगलर है, सिंगलर वर्ब का यूज करेंगे। फिजिक्स लिंग्विस्टिक मैथ्स ये सब क्या लग रहा है, देखने में क्या लग रहा है प्लुरल, लेकिन ऑलवेज टाइम ये क्या होता है सिंगलर रहता है, इसके साथ सिंगलर वर्ब का यूज करते हैं, है ना। उसके बाद देखो नोट में कुछ लिखा है, नीट नोट में देखो, इफ नेम ऑफ द सब्जेक्ट शोज मेरिट्स, दिखाता है सब्जेक्ट के अंदर मेरिट दिखता है, मेरिट एंड डिमेरिट दिखाता है, लेकिन मेरिट और डिमेरिट दिखाता है कि और बिलोंगिंग टू इट बिलोंगिंग इट टू बिकम प्लुरल एंड टेक्स प्लुरल वर्ब, यानी कि अगर सब्जेक्ट में आपका यानी कि मेरिट और डिमेरिट दिखाया जाता है तब ये प्लुरल रहता है, तब इसके साथ आर्टिकल द का भी प्रयोग किया जाता है, यानी कि मेरिट दिखाता है कि इसके मेरिट दिखाता है डिमेरिट है, क्या कमी है, क्या कमी नहीं, मेरिट और डिमेरिट, अच्छा और ना अच्छा, यानी कि आप देखेंगे इसमें इन दिस केस इसके साथ हम आर्टिकल इसके साथ पुलर और पुलर भाग का यूज करते हैं, कब, जब डिमेरिट और मेरिट और डिमेरिट दिखाया जाए तब, जैसे कि इन दिस केस आर्टिकल, इस केस में अगर डिमेरिट और डिमेरिट दिखा जाता है तो इस केस में आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द ही यूज, इसमें आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। दोस्त देखो आगे देखो, यानी कि द मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स एक कठिन सब्जेक्ट है, अब बताओ इसमें क्या क्या दिखा रहा है, ये क्वेश्चन आर्टिकल राइट है, ये क्वेश्चन क्या है, राइट की बताओ, कुछ दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा बाबू, जब जानते मैथमेटिक्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, कि आपको पता थे कि मैथमेटिक्स से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ये तो ठीक है, आप देखो मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, आप कहेंगे मैथमेटिक्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, ये क्वेश्चन आपका क्या होगा राइट। अब देखो तुलना द मैथमेटिक्स ऑफ नीलेमा,
द मैथमेटिक्स ऑफ डिलेमा आर गुड, यानी कि डिलेमा अपने आप में नाउन है, ये भी नाउन है, दोनों नाउन में मेरिट और डिमेरिट दिखाया जाता है कि कौन सा आपका नाउन, नाउन दो नाउन है, अगर ये मान के चलो नाउन है, दो नाउन है तो सब्जेक्ट यहाँ पे प्लुरल हो जाता है, क्या हो जाता है, तो प्लुरल तो आने वाला भाव आना चाहिए, क्या प्लुरल, इसीलिए आर का प्रयोग किए हैं। इसके साथ यदि नेम ऑफ सब्जेक्ट का नाम किसी पर्सन से जोड़ दिया जाए, ये डिलेमा क्या है, पर्सन है, किसी पर्सन से जोड़ दिया जाए तो ये क्या होता है, प्लुरल हो जाता है। इसके साथ आर्टिकल द का भी प्रयोग किया जाता है, इसके साथ आर्टिकल द का भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए सेंटेंस क्या होगा, क्या होगा, राइट होगा। अब देखो द मैथमेटिक्स ऑफ डिलेमा, द मैथमेटिक्स ऑफ डिलेमा इज गुड, अब बताओ इज गुड लिखा हुआ, इज गुड, अब बताओ इज आपका सिंगुलर की प्लुरल, इज सिंगुलर की प्लुरल, अब बताओ ये सिंगुलर की प्लुरल, अब डिलेमा हो गया नाउन, ऑफ लगा हुआ है, ये भी नाउन, लेकिन वो सब्जेक्ट का नाम पर्सन जुड़ा हुआ है, लेकिन सब्जेक्ट ये जो क्या है प्लुरल हो गया, तो आने वाला भाव क्या होना चाहिए, प्लुरल है, जो इज लगा हुआ सेंटेंस ये हो गया रॉन्ग। यानी कि याद रखना मेरे दोस्त, यदि नेम ऑफ सब्जेक्ट का नाम किसी पर्सन से जोड़ दिया जाए तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, और उसके साथ उसके साथ भर भी प्लुरल लेता है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखते हैं अगले लू में, तो हम बात करेंगे कि सम ऑफ द नाउंस, नाउंस फ्रॉम देयर प्लुरल बाय इन इरेगुलर वे, इरेगुलर वे अनियमित तरीका से, अनियमित तरीका से, आप देखो सिंगुलर में इज है और प्लुरल में ईएस है, यानी कि बेसिस, बेसिस, बेसिस हो गया सिंगुलर, बेसिस, सिनोप्सिस, डायग्नोसिस, थेसिस, ओसिस, एनिस, एनालिसिस, ये सब क्या है, सिंगुलर है, सब में देखो आईएस लगा हुआ, इज लगा हुआ, बेसिस का होता है प्लुरल बेसिस, सिनोप्सिस का प्लुरल क्या होता है, सिनोप्सिस, डायग्नोसिस का क्या होता है, डायग्नोसिस, थेसिस का क्या होता है, थेसिस, ओसिस का क्या होता है, ओसिस, एनिस का क्या होता है, एनेसिस, एनेसिस, एनिस, एनेस, एनेसिस, उसके बाद एनालिसिस का एनालिसिस, एनालिसिस का एनालिसिस, इतनी। अब ये सब हो गया सिंगुलर, हम बात करेंगे सिंगुलर में कुछ ऐसे सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर नाउन है जिसके लास्ट में यूएम लगा हुआ रहता है, यूएम लगा हुआ रहता है, और प्लुरल में ए या एस लगा सकते हैं, ए या एस लगा सकते हैं, जैसे एगंडम, 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 देखो यूएम लगा हुआ, एगंडम, ए जी एन डी एम, एगंडम का क्या होता है प्लुरल, एगंडा, एगंडम का प्लुरल क्या होता है, एगंडा, डाटम का क्या होता है, डाटा, डाटम, हम लोग डाटा कहते हैं ना, किसी मोबाइल फोन में डाटा केवल दीजिए, डाटा दीजिए, डाटा यू जब प्लुरल वर्ब है, प्लुरल अगर डाटा क्या है, प्लुरल है, तो हम लोग डाटा दीजिए, डाटा केवल दीजिए, डाटा है ना, तो डाटा हो, डाटम होता है, डाटम, बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि डाटा प्लुरल होता है, डाटम सिंगुलर होता है, डाटम क्या होता है सिंगुलर, डाटा प्लुरल होता है, डाटा क्या होता है प्लुरल, तो डाटम होता है सिंगुलर, डाटा होता है प्लुरल, कोरम, 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 करिकुलम, 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 बैक्टीरियम, 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 बैक्टीरियम क्या है ना, वो बैक्टीरियम सिंगुलर होता है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या है प्लुरल है, बैक्टीरिया क्या है प्लुरल है, डिक्टम का क्या होता है डिक्टा, डिक्टम का डिक्टा, डिक्टम का डिक्टा, डिक्टम का डिक्टा, मीडियम, मीडियम का क्या होता है मीडिया, मीडियम का क्या होता है मीडिया, फिर इसका नोट को देख लीजिए, नोट में देखेंगे हम लोग, नोट में देखेंगे, अभी तक जो के बारे में जानेंगे, नोट में लिखेंगे आखिर एगंडम, डाटा, डाटम, एगंडम, डाटम आर नॉट यूज दीज दे, आजकल जो है ना एगंडम हो गया, डाटम का प्रयोग आजकल नहीं करते, आजकल एगंडम, डाटम का प्रयोग नहीं करते हैं, दीज दे का मतलब आज दिनों, इन दिनों है ना, तो एगंडम, डाटम आर नॉट यूज दीज दे, अगंडम और डाटम का प्रयोग आज इन दिनों नहीं किया जाता है। देखो अगर किसी को डाटम बोलिएगा, हमको डाटम दीजिए, देखो कुछ समझेगा डाटम किसको कहते हैं भाई, तो डाटा दीजिए, डाटा मीडिया, यानी कि डाटा आपका हो गया, डाटा बोलिएगा तब वो समझेगा है ना, डाटा मीडिया आर यूज इन सिंगुलर एंड प्लुरल, यानी कि इसका प्रयोग जो है सिंगुलर में और प्लुरल में दोनों तरह से किया जाता है, आप कह सकते हैं मीडिया आर एक्टिव और मीडिया एक्टिव, यानी सिंगुलर प्लुरल दोनों में करते हैं, सिंगुलर प्लुरल दोनों में
करते हैं। जैसे कि मीडिया आर एक्टिव, मीडिया इज एक्टिव, दोनों में कर सकते हैं, बोथ में, इन सिंगुलर एंड प्लुरल, बोथ में सिंगुलर एंड प्लुरल दोनों में कर सकते हैं। तो ठीक है मेरे दोस्त, अभी 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 मैं आप लोगों को छोटा छोटा वीडियो दे रहा हूँ। अभी नाउन का जो है अभी हम पढ़ा रहे हैं, जो अभी नाउन नंबर का पढ़ा दिए हैं, अब हम जो नाउन नंबर का जो है नाउन का जो है हम कॉमन एरर लेके आएंगे। आखिर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, कॉमन एरर लेके आएंगे। और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, है ना। तो इस तरह से हम लोग डेली आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।